नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको रुठियाई जंक्शन रेलवे स्टेशन की संपूर्ण जानकारी देंगे। रेलवे स्टेशन की फैसिलिटीज, ट्रेन पासिंग थ्रू, प्लेटफॉर्म, नियर बाय होटल्स और प्लेसेस टू विजिट के बारे में बताएंगे। यह रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्टेशन का कोड है RTA। यह रेलवे स्टेशन गुना एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। यह रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है और इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और 76 ट्रेन आकर रुकती हैं। इस रेलवे स्टेशन पे आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन पे वेटिंग रूम अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन पे स्मॉल फूड आउटलेट्स अवेलेबल हैं, जहां से आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और टी मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन पे इंक्वायरी काउंटर और टिकट बुकिंग काउंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन पे पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पे आप अपना स्कूटर और बाइक पार्क कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऑटोज इजिली मिल जाएंगे 24/7। रेलवे स्टेशन पे फुट ओवर ब्रिज अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन पे व्हीलचेयर फैसिलिटी मिल जाएगी फॉर सीनियर सिटीजन एंड दिव्यांगजन। रेलवे स्टेशन पे डस्टबिन और चेयर्स लगी हुई हैं और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन पे वॉशरूम फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इस रेलवे स्टेशन की लाइन है इंदौर ग्वालियर लाइन। ट्रैक है डबल इलेक्ट्रिक लाइन। जोन है वेस्ट सेंट्रल और डिवीजन है भोपाल। पॉपुलर ट्रेन जो इस रेलवे स्टेशन से गुजरती है वो है मुंबई बांद्रा टर्मिनल झांसी वीकली एक्सप्रेस, ग्वालियर पुणे वीकली एक्सप्रेस, देहरादून उज्जैन उज्जैनी एक्सप्रेस, देहरादून इंदौर एक्सप्रेस, भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस, पुणे ग्वालियर वीकली एक्सप्रेस, चंडीगढ़ इंदौर वीकली एक्सप्रेस, जबलपुर कोटा एक्सप्रेस, अजमेर दुर्ग वीकली एक्सप्रेस, रतलाम ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन के पास आपको होटल्स की सुविधा भी मिल जाएगी। कुछ होटल्स है उसमें से मेट्रो होटल एंड रिजॉर्ट जो 8.1 किलोमीटर की दूरी पे है, राजपुताना डिवाइन जो 11.1 किलोमीटर की दूरी पे है, होटल साईं सागर जो 15.6 किलोमीटर की दूरी पे है, होटल दस सारा जो 15.4 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए घुरेल पशुपतिनाथ टेम्पल जो 92.4 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।